कहते हैं गरीब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पक्के मकानों की होती है। वैसे आदमियों के लिए तीन प्राथमिक जरूरतों में से एक मकान भी आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लागू होने के बावजूद भी अगर स्थिति यह है कि लोगों को बच्चों के साथ कच्चे मकानों में गुजारा करना पड़ रहा है तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। इससे तो यह प्रतीत होता है कि यूपी सरकार के सारे दावे कागजों तक ही सीमित। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडापांडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नरखेड़ा से सामने आया, जहां रात के समय एक गरीब विधवा महिला का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान के अंदर सो रहे तीन बच्चे उसमें दब गए। रात के समय पड़ोसियों ने जब चीख पुकार सुनी तो वह मकान की ओर दौड़ पड़े और वहां जाकर मलबे में दबे तीनों बच्चों को बाहर निकाला। घायल तीनों बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधवा महिला ने जानकारी दी कि उसके छोटे छोटे तीन मासूम बच्चे हैं, इसी कारण वह कोई काम धंधा नहीं कर सकती। विधवा महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। मुरादाबाद से संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। रात क्या हादसा हुआ? कौन से गांव के रहने वाले हो आप? क्या हुआ रात? बरामदा गिर गया हमारा, कच्चा था जी। बेटे दब गए तीनों जी। बड़े का कुर्बान नाम है, पैर में जी जी काफी चोट आई है, और दूसरे का यहाँ मेहरवान उसके सिर फट गया। चारपाई दूसरे का रिहान उसके घुमाइए होत और बब्बों के होत आई और काफी नुकसान हो गया, फाटा टूट गई। आप बरामदे में सो रहे थे, बाहर सो रहे थे? बरामदे में सो रहे थे। हाँ। अच्छा, कभी कॉलोनी के लिए आपने ग्राम प्रधान से मांग करी है? पिछली बार कही थी हमने तो कह दी है मिलेगी मिलेगी, फिर कुछ भी बोल ना पारी उन्होंने। सरकारी तरफ से कोई सुविधा मिली आज तक? कुछ नहीं मिला, रुपया भी एक आना कहीं से। विधवा पेंशन भी ना है आपके? विधवा पेंशन है? नहीं, आप क्या चाहते हो? आप मदद चाहते हैं, खर्चा सरकार की तरफ से।